हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया है और आज का ब्लॉग पहले बताता हूँ कैसा होने वाला है। आज का ब्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है और आपको कल एक नई खुशखबरी देखने को मिलेगी। तो कल क्लियर कर देंगे, कल बता देंगे आपको। तो और आज के ब्लॉग में हम करने वाले हैं गैजेट कलेक्शन। जो जितने भी मेरे पास में ट्राईपॉड वगैरह है तो आज उनका कलेक्शन करेंगे और आपके साथ बताऊंगा कब खरीदा और जितने भी मैंने खरीदे हो तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज का ब्लॉग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मस्त मस्त ब्लॉग आते रहते हैं। तो जितने मैंने खरीदे थे ना, तो फर्स्ट खरीदा था, सेकंड, थर्ड, यानी पांच खरीद रखे हैं मैंने और पाँचों के आज आपके साथ शेयर करेंगे और कैसा रहा उनके साथ में ब्लॉग बनाकर, तो कैसी कैसी फीलिंग आई, तो सारी बात करेंगे। तो आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। तो अभी खाना वगैरह तो खा लिया मैंने, खाना वगैरह तो मैं ब्लॉग में नहीं दिखाता, तो ब्रेक ले लेता हूँ बीच में। और वैसे पहले मैं बोल ऑन करता हूँ, ब्लॉग को स्टार्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में खाना वगैरह खा के फिर स्टार्ट करता हूँ। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लिया और अभी थोड़ा मैं सेट कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। आज का ब्लॉग यहीं होने वाला है और कल आपको एक सरप्राइज़ देखने को मिलेगा, उस पर बात करेंगे कल, एंड में थोड़ी हिंट दे दूँगा आपको। तो गाइज, आज के ब्लॉग में आपको मेरे जो गैजेट है उनको देखने को मिलेंगे, जितने भी गैजेट है मैंने मंगाए हैं। तो अभी तो आदमी ले रखे हैं, इनको सेटअप करते हैं। माइक भी है, ट्राईपॉड वगैरह भी है, साइकिल वाला भी है और जो न्यू मंगाया हेलमेट वाला वो भी है, उसके बारे में बात करेंगे। ये देखो इतने सारे हैं, आज इनके रीऑक्शन करेंगे, तो रीयूज अनबॉक्सिंग करेंगे, यानी दोबारा अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग तो हो चुकी है, देखो मेरे से समझ में नहीं आएगा, तो उसको सेटअप करते हैं, कहीं चीज़ें रखते हैं, फिर एक स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। और लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी दिखाते हैं, मैंने सोचा अब आज ब्लॉग बनाना है और कुछ तो करें फिर, तो यही करते हैं आज। स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है और आज सबसे पहले गैजेट होने वाला है ये माइक। तो सबसे पहले मैंने ये माइक मंगाया था, तो नॉर्मल है, तो आपको ये 150 रुपये तक मिल जाएगा। तो मैंने तो 100 रुपये का मंगाया था, अब तो रेट बढ़ गया होंगे। तो सबसे ये फर्स्ट गैजेट है मेरा, तो ये वाला माइक है, तो मैंने परचेज किया था। तो अभी इसका कम यूज करता हूँ, ब्लॉग में तो मैं सीधे बना लेता हूँ, पहले शुरू में यूज करता था, तो एक बार ही मंगाया है। तो ये मेरा फर्स्ट गैजेट होने वाला है और सबसे अच्छी फीलिंग इसमें आई थी, तो मैंने इंतज़ार किया था और मेरा फर्स्ट अनबॉक्सिंग हुई थी और फर्स्ट गैजेट हुआ था, जिसे मैंने ये मीशो से ऑर्डर किया था। तो अभी मैं मीशो से कर देता हूँ, शॉपसी से कर देता हूँ, तो दोनों से मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो बनती है। तो ये फर्स्ट गैजेट है, तो इसके लिए लाइक कर देना। और अब अगर आपको इतने इसमें गैजेट आते हैं जो आपको परचेज करने हैं, तो उनके लिंक नीचे होंगे, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर उनसे चेकआउट कर सकते हैं और आप मंगवा भी सकते हैं, तो आपको चेकआउट भी कर सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट गैजेट था। तो अब बात करते हैं दूसरे गैजेट की। तो गाइज, दूसरा गैजेट मेरा ये है मिनी ट्राईपॉड। तो दूसरा गैजेट मेरा ये रहने वाला है मिनी ट्राईपॉड। तो ये अभी थोड़े से ना ओल्ड हो चुके हैं, तो ये मैंने शुरू में ब्लॉग के लिए बनाया था, इससे ब्लॉग घर पे कर लेता हूँ और बाहर कहीं ट्रेवल ब्लॉग करना तो मैं इसका यूज़ करता हूँ, पर हम मार्केट में यूज़ नहीं करता, लोकल में, लोकल से मैं हाथ से बना लेता हूँ ब्लॉग। और
सबसे पहले मैं इसका यूज करता था और ये अच्छा है वैसे। जैसे हम कैसे इसको मूवमेंट करा सकते हैं, तो लाइफस्टाइल ब्लॉग के लिए ये इजी है और सस्ता भी है। तो उस टाइम मेरे को ये लगभग 180 रुपये का पड़ा था, तो अब के थोड़े से प्राइस बढ़ चुके हैं। तो आप लोग चेकआउट कर लेना, आपको चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से मंगा सकते हो। और ये इसके हम कैसे भी रोटेट करा सकते हैं, और इस बटन से हम वैसे तब भी फ्री हो चुका है, तो पहले इसका यूज करते थे, तो अभी तो हम हाथ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये इसके में स्टैंड होते हैं जिससे हम इसको कहीं भी रख सकते हैं और ब्लॉग बना सकते हैं, और हाथ से भी ब्लॉग बना सकते हैं, और यहाँ से मोबाइल अटैच करना है फिर मस्त ब्लॉग बना सकते हैं। तो मेरा ये दूसरा गैजेट होने वाला है, तो जिसको मेरी अच्छी फीलिंग आई थी तो मैंने परचेज किया था। तो जो भी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं सस्ते सस्ते गैजेटों से करता है, तो मैंने सस्ते मंगाए थे। उस टाइम भी ये इतने पैसे ज़्यादा थे, तो अब के टाइम में थोड़े पैसे ये चल तो जाते हैं पर कई बार ये ख़राब हो जाते हैं। तो अभी चलते हैं तीसरे गैजेट की तरफ से, तो ये मेरा होने वाला है। तीसरा गैजेट ये है, ये ट्राईपोड है, तो ये सबसे बड़ा ट्राईपोड है मेरे पास में। तो ये ट्राईपोड मैंने 280 रुपये का मंगाया था, तो इसको ये तो है तो नॉर्मल, वैसे टाइम पास के लिए आपको शुरुआत करनी है तो इसके लिए आपको अच्छी हेल्प मिल जाएगी इसे, और यूज अच्छे हो जाती है। तो बस इसको थोड़ा संभाल के रखना पड़ता है ना, ये नॉर्मल ही है वैसे, ज़्यादा हेवी भी नहीं है। वैसे शुरुआत में तो सब अच्छे लगते हैं, तो मैंने मंगाया था, इसमें वीडियो बनाता था, और अभी तो अलग वीडियो बनाता ना ब्लॉग में, तो इसकी कमी जरूरत पड़ती है। रील वगैरह में यूज कर लेता हूँ उसको, और फ़ोटो शूट के लिए यूज कर देता हूँ। तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, ये थोड़ा बड़ा हाइट में है ना, तो इसकी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से निकल जाता है, और इसमें अलग अलग मूवमेंट करा सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से मतलब ये थोड़ा बड़ा है ना, तो अपनी पोजिशन में खड़ा कर से बड़े शॉट ले सकते हैं और वीडियो बड़ा मंगा सकते हैं। तो मेरा तीसरा गैजेट यही है, और मेरे पास टोटल 5 गैजेट हैं, तो 5 गैजेट हैं, तो ये दे सकते हो। तो ये तीसरा होने वाला है, ज़्यादा तो मैं आपको नहीं बता सकता, तो सभी को पता होता है। आप वैसे लिंक से आप चेकआउट कर सकते हैं, ये मेरे को उस टाइम 280 रुपये का पड़ा था, तो ज़्यादा रेट में फ़र्क नहीं होगा, थोड़े बहुत होगा, और मंगा सकते हो। यहाँ पर मोबाइल अटैच करके आप मूवमेंट चेंज करा कर अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो उस टाइम मेरे को ये जरूरत थी, मैंने मंगाया था, अभी तो कम ही जरूरत पड़ती है, वीडियो शूट के लिए यूज करता हूँ, तो आप लोग भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं चौथे गैजेट की तरफ से। तो गाइज चौथा गैजेट ये है मेरे पास में, तो आप लोग समझ चुके होंगे। वैसे इसका यूज़ GPS के लिए होता है, जैसे हम साइकिल पे या बाइक पे GPS कंट्रोल कर सकते हैं कहीं जाना हो तो। और अब मैं इसका यूज करता हूँ मोटो ब्लॉग बनाने के लिए, तो ये मेरा साइकिल पे अटैच होता है ये, तो मैं इसको साइकिल पे अटैच करता हूँ। तो पहले इसको प्रेस करना पड़ता है दोनों को, जैसे हम प्रेस करेंगे ऐसे तो ये ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ पर मोबाइल आ जाएगा। तो उसके बाद में हम इसको ये मोबाइल पे रखेंगे, इस पर प्रेस करेंगे, मोबाइल अपने आप प्रेस होगा ना, तो इस पर एक मोबाइल को पूरा पकड़ लेगा और ये जहाँ रुके रखेगा, और नीचे ये वाली होती हैं, तो ये इसके मोबाइल अटैच हो जाएगा, तो नीचे से रखेगा नहीं, तो नीचे की तरफ नहीं आएगा। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं, और पीछे से कुछ इस तरह दिखता है, साइकिल पे हैंडल पे स्टेयरिंग पे लगा सकते हैं, बाइक पे यूज कर सकते हैं, साइकिल पे यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने चौथा गैजेट मंगाया था,
तो ये ज़्यादा टाइम तो नहीं है, थोड़ी इसको टाइम हुआ है। तो साइकिल पे ब्लॉग बना सकते हैं, बाइक पे बना सकते हैं। और ये साइकिल हैंडल स्टेयरिंग माउंट, तो ये मेरे को पड़ा था लगभग 240 रुपये का। तो पैसे तो अलग अलग आते हैं, मीशो से अमेजोन से कैसे भी ऑर्डर कर सकते हो। तो उस टाइम अलग अलग थे तो मैंने ये थोड़ा मंगाया था, तो वहाँ पे अलग अलग रेट चलते हैं, कभी सस्ते भी मिल जाते हैं, महंगे भी मिल जाते हैं, तो अलग अलग क्वालिटी के हिसाब में रेट होते हैं। तो इसकी क्वालिटी में इसको ठीक लगी तो मैंने इसको परचेज कर लिया, और आपको अच्छा लगे तो आप ही कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो अभी ये चौथा गैजेट होने वाला है, तो धीरे धीरे मेरे को स्किल आती रही, मैंने अनबॉक्सिंग करता रहा। और जो फर्स्ट गैजेट था ना, उसकी फीलिंग तो अलग ही है। तो उसमें मैंने वेट किया था, इंतज़ार किया था, वो अलग ही था। तो ये मेरा चौथा गैजेट होने वाला है, तो इसको मैं साइकिल पे यूज करता हूँ, जिसमें हम आपको साइकिल ब्लॉग देखने को मिलते हैं। तो अभी हम पांचवें गैजेट की बात करेंगे, जिससे भी ये वीडियो बन रही है, हेलमेट माउंट। तो उसका तो मैं अलग से ब्लॉग बना रहा हूँ। तो इसके गोटो ब्लॉग अच्छे बनते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये साइकिल के लिए मंगाया था मैंने, तो मैं साइकिल पे यूज करता हूँ। तो अब चलते हैं पाँचवें गैजेट की तरफ, जो कि है हेलमेट माउंट, तो उसकी वीडियो बनाते हैं। पाँचवा गैजेट ये होने वाला है हेलमेट माउंट। तो ये हेलमेट तो घर पे था, ये तो नहीं मंगाया था, ये तो काफ़ी पुराना है। तो ये वाला माउंट है, ये मैंने ऑर्डर किया था तो मीशो से। तो इसे मैं मोटो ब्लॉग बनाता हूँ, तो आप लोग देखते होंगे। तो इसको तो भी जल्दी अभी मंगाया है, तो ये भी मेरे को अच्छा लगा। ये सबसे अच्छा मेरे को इसलिए लगा क्योंकि इससे मैं अच्छे ब्लॉग बन जाते हैं, जिससे कि जैसे मैं मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ तो बाज़ार से होकर निकल रहा हूँ, कहीं शॉप पे कोई सामान खरीदना है तो मैं इसको वहाँ पे ले जा सकता हूँ, कुछ भी शॉपिंग कर सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, बाइक से हटकर कोई भी काम कर सकता हूँ, तो मेरे लिए अच्छा होता है। और जैसे वो साइकिल वाला दिखाया था उसमें दिक्कत आती है, तो उसमें एक तरह से साइड का व्यू आता है, इसमें हम चारों पास का कैसे भी 360 भी किसी तरह के शॉट ले सकते हैं और रील वगैरह भी बना सकते हैं, ये इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे को अच्छा लगा, तो हेलमेट पे लगा के हम कैसे भी इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छे ब्लॉग बना सकते हैं। तो ये मेरे को पड़ा था लगभग 200 रुपये का, तो उस टाइम 210 थे उसमें, तो 200 रुपये मान लो अब, तो 200 रुपये का पड़ा था मेरे को ये। तो इसकी क्वालिटी अच्छी है मेरे को, तो मीशो को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरे को उस टाइम ये अच्छी मिल गई। अभी तो उसके काफ़ी टाइम चल रहे हैं, 350 रुपये चल रहे हैं, और भी मिल जाएंगे। तो क्वालिटी मेरे क्वालिटी के हिसाब में तो सही रेट है, तो मैंने चेक किए थे और आपको अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो ये मेरा है हेलमेट माउंट, चिन माउंट, हेलमेट चिन माउंट। तो टोटल मैंने आपको पांच के गैजेट दिखाए हैं, तो आपको अच्छे लगे होंगे। इनके बारे में कोई जानकारी आपको परचेज करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और आज का छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा, तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट करना, कोई भूल चुको तो गलती माफ़ करना। ये हेलमेट तो पुराना था ना, इसमें यूज कर रखा है, ये वाला गैजेट ये नया है, अभी मंगाया मैंने। तो टोटल पांच गैजेट मैंने दिखा दिए हैं, और आज का लास्ट टॉपिक यार गैजेट होने वाला है, तो आप लोग देख सकते हो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और अभी इससे मैं ब्लॉग बना रहा था, वीडियो आप देख रहे थे, इससे बना रहा था मैं। आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के ब्लॉग में मैंने पांच की गैजेट दिखाई हैं, जो कि आपको अच्छे लगेंगे। जो फर्स्ट गैजेट था ना, वो मैंने मंगाया था, उस टाइम मैं
लगभग ब्लॉग स्टार्ट भी किए थे लगभग, तो उस टाइम मस्त फीलिंग आई थी। मतलब फीलिंग क्या, कोई पहली चीज़ मंगाते हैं ना उसमें अलग ही होता है, तो वो वाली मेरे को फीलिंग आई थी, आपको अच्छे लगेंगे। तो आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे आपको चेकआउट मिल जाएगा, रेट वगैरह पता चल जाएगा। तो जिन मैंने रेट बताए हैं वो आपको रेट नहीं मिल सकते हैं, मिल भी सकते हैं, वो उस टाइम अलग रेट थे, तो हो सकता है तो कोई गलती है तो माफ़ कर देना। बाकी रेट में थोड़ा सा डिप्रेशन हो सकता है, तो पहले क्लियर कर देता हूँ मैं, तो रेट में थोड़ा सा नीचे हो सकता है, बाकी आपको अच्छा लगेगा। और जितने मेरे पास में 5 गैजेट थे मैंने दिखा दिए, और आगे कोई और मंगाएंगे तो और दिखा देंगे। कोई माइक की स्वामी है तो वो आएगा तो और दिखा देंगे। तो मोटो ब्लॉग में वो माइक होगा तो हम बोलते आपसे वॉइस ओवर करते जाएंगे और ब्लॉग और एंड क्रिप हो जाएगा। तो आज का ब्लॉग छोटे होने वाला है, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैंने काफ़ी दिनों से सोच रखा था मैंने ये वीडियो बनाते हैं, और कल वाले ब्लॉग में आपको सरप्राइज देखने को मिलेगा। और बस बंदे बढ़ते जा रहे हैं हमारे, तो काउंट करेंगे कितने बंदे बढ़ गए, तो उस पर सरप्राइज करूँगा मैं आपको। तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं ना, तो काउंट करेंगे कल, तो लाइव काउंट करेंगे, आपको दिखाऊँगा मैं LCD में दिखाऊँगा लाइव कितने हो चुके हैं, तो वो सरप्राइज होगा। तो कल वाला ब्लॉग यही होने वाला है, लाइव काउंट करेंगे, आप लोग देखना, वेट करना, इंतजार करना। तो आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, जय श्री राम। ब्लॉग को लाइक कर देना, जय हिंद।